है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके गुजरता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति सभी दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ सपा, भाजपा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी अपने पैर पसारना चाहती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का सियासी घमासान लगातार जारी है। आज से हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं का सियासी गुना भाग। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप सभी का स्वागत करता हूँ द थिंक पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और बहन कुमारी मायावती जी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी। जैसा कि हम चांदपुर विधानसभा की बात करें तो 2007 में यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीता था और मोहम्मद इकबाल ये यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे और उन्होंने 58,808 वोटों से वो विजयी हुए थे। वैसे ही राम अवतार सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ सेकंड नंबर पे रहे थे और उन्होंने वोट लिए थे 28,797। वैसे ही तीसरे नंबर पे जो रहे थे स्वामी ओमवेश जो आरएलडी के कैंडिडेट रहे थे और उन्होंने 27,705 वोट लिए थे। तो साथियों, ये रहा 2007 का आंकड़ा। अब हम बात करेंगे 2012 के विधानसभा की। 2012 के विधानसभा में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनती है, फुल मेजॉरिटी की सरकार बनती है और अखिलेश यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। 2012 में चांदपुर विधानसभा की हम बात करते हैं तो फिर से बहुजन समाज पार्टी ने रिपीटेड कैंडिडेट मोहम्मद इकबाल इनको पार्टी का टिकट दिया था और 54,941 उन्होंने वोट लिए थे और वो विनिंग कैंडिडेट रहे थे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के अरबाज खान, इन्होंने 39,928 वोट लिए थे। वैसे ही तीसरे नंबर पर रही थी भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट कविता सिंह, उन्होंने 36,941 वोट लिए थे। 2017 के विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की इसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और योगी आदित्यनाथ यह मुख्यमंत्री बने थे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ गठबंधन करते हुए चुनाव लड़े थे। अगर चांदपुर विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो चांदपुर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो सेकंड नंबर पे रहे थे और पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी के कमलेश सैनी ये विजयी हुए थे। कमलेश सैनी को इस विधानसभा से 92,345 वोट मिले थे और बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने 56,696 वोट लिए थे। तीसरे नंबर पे मोहम्मद अरशद, यह समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने 36,531 वोट लिए थे। ये रहे चांदपुर विधानसभा के चुनावी आंकड़े। 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा के चुनावी आंकड़े आपने देखे। 2007 और 2012 में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीता। क्या 2022 में भी बहुजन समाज पार्टी अपना ये चुनावी विजयी अभियान जारी रख पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।